आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, सीएम योगी के निर्देशन में हो रहा है प्रदेश का सर्वांगीण विकास, अब उत्तर प्रदेश की सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में हो रही है पहचान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक संगोष्ठी के दूसरे दिन रविवार को वक्ताओं ने रखे वैश्विक महामारी कोरोना एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर अपने अपने विचार। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में कोरोना पर लगा प्रभावी लगाम, जल्द मिल सकेगी प्रदेश को कोरोना से मुक्ति। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला, विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित दी गई जानकारी। घुड़सवारी कर एसएसपी ने गुड मॉर्निंग अभियान के तहत मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों का जाना हाल, पुलिसिंग के लिए जानकारी। कहा, अब मॉर्निंग वॉक स्थलों पर घुड़सवार पुलिस रहेगी मौजूद, लोगों की करेगी सुरक्षा। कैफुलवरा को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष बनाए जाने पर गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन ने किया सम्मानित। अध्यक्ष ने कहा, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए करूंगा काम, सीएम योगी को दिया धन्यवाद। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में रविवार को यातायात पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, 200 वाहनों के चेकिंग के साथ 50 वाहनों का किया चालान। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा मंडल ओलंपिक टीम का किया गया गठन। कहा, हर गांव में बनेंगे 3 एकड़ में खेल के मैदान, खिलाड़ियों को मिलेगा उचित प्लेटफॉर्म। राप्ती तट पर स्थित श्रीराम घाट पर हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में आयोजित हुई आरती, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ को आरती के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। गोरखपुर में रविवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,410। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 14 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जनपद के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई राजकीय इंटर कॉलेज GIC एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज GGIC में प्रवक्ता के पदों की प्रारंभिक परीक्षा सुचिता पर रहा विशेष फोकस, परीक्षार्थियों ने कहा, पेपर था टफ, उम्मीद है हो जाएगा चयन। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर तीसरे दिन कथा व्यास जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य ने महाभारत युद्ध का किया वर्णन। कहा, कीर्तन में वास करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। और जिले की सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे, राप्ती नदी 28 सेंटीमीटर नीचे, आपदा विशेषज्ञ ने कहा, 2 से 4 दिन के भीतर स्थिति सामान्य होने के आसार। बाढ़ पीड़ितों को लगभग 1,20,000 राशन किट का किया जा चुका है वितरण, स्थिति है सामान्य।